हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DU CEW कोटा एडमिशन। इसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं DU का CEW कोटा का जो फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट है वो आ चुकी है। तो इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं कब से कब तक वो विजिबल होगा और उसके बाद में जो आपको कोर्स या फिर कॉलेज अलॉट होने वाला है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कब तक करेगा, उसके बाद में आपको जो अप्रूवल है कब तक मिलेगा, उसके बाद में फी पेमेंट कब करना है, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव और अकेडमिक रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते हैं। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिस की, जो कि 28 दिसंबर को रिलीज की गई है। नोटिस को डिस्कस करने के बाद में हम अलॉटमेंट लिस्ट को भी बात करने वाले हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये नोटिस जारी किया है शेड्यूल कोटा के रिगार्डिंग। ये आपका फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट है या फिर इसको स्पेशल ड्राइव करो। इसमें वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने CEW कोटा के थ्रू इसके पहले जितने भी लिस्ट आई हैं उसमें एडमिशन नहीं लिया, मींस कोई भी कोर्स या फिर कॉलेज उनको अलॉट नहीं हुआ है CEW कोटा के थ्रू, वही इस ड्राइव या फिर इस लिस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। अगर आपको कोई भी लिस्ट में एडमिशन नहीं मिला, सबसे पहले आपको अपने UG पोर्टल पर लॉग इन करना अपने आईडी और पासवर्ड से। वहां पे आपको जो कोर्स या फिर कॉलेज अलॉट हुआ है वो विजिबल हो जाएगा। 28 दिसंबर से ही विजिबल होना स्टार्ट हो चुका है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद में। जो भी कोर्स या फिर कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो पर्टिकुलर कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करेगा। वो 29 दिसंबर को शाम के 5 बजे तक ये चेक करेगा, उसके बाद में वो आपको अप्रूवल देगा। उसके अप्रूवल के बाद में आपको फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट करने का उसके बाद में आपको लिंक दिख जाएगा, वहाँ पर फी पेमेंट करना है आपको। फी पेमेंट कब करोगे आप? 30 दिसंबर को शाम के 5 बजे तक आपको फी पेमेंट करना है, उसके बाद में ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो लिस्ट रिलीज की गई है उसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट जारी किया है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे है आपका फॉर्म नंबर दे रखा है, नेम दे रखा है कैंडिडेट का, अलॉटेड कॉलेज दे रखा है, अलॉटेड कोर्स दे रखा है, उसके बाद CEW का आपका जो प्रायोरिटी था वो दे रखा है, आपका एडमिशन परसेंटेज दे रखा है। तो आप यहाँ से अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं कितने स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन हुआ है, तो आप यहाँ से ईजिली देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ था तो डेफिनेटली आपका इस लिस्ट में हुआ ही होगा, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये 67 पेज की PDF है, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है फोर्थ लिस्ट में भी। तो आप यहाँ से जरूर चेकआउट करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा कि आपका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। इसके अलावा अगर कोई आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा।